सब्सक्राइब करिए ईएमटी सॉल्यूशन चैनल को लेटेस्ट टेक वीडियो और सभी तरह के टेक्नोलॉजी लेटेस्ट सॉल्यूशन पाने के लिए और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं अमनीश का स्वागत करता हूं आप सभी नेम टी सॉल्यूशन में। दोस्तों यहां हम बात करने वाले कि बिग डॉक में आप नेम सर्वर कैसे ऐड करें ताकि आप किसी भी वेबसाइट की होस्टिंग के नेम सर्वर को ऐड करके अपनी वेबसाइट को लाइव कर पाए, वेबसाइट डिजाइन कर पाए। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं जैसे कि मैं आ चुका हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप नेम सर्वर ऐड करें बिगलॉग के अंदर। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने डोमेन है वो परचेस कर रखा है। अगर आपके पास मल्टीपल डोमेन है तो आप यहाँ पे मैनेज पे जाकर लिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं, वरना आपको यहाँ पे एक डोमेन है वो दिखाई दे जाएगा। दोस्तों आप इस डोमेन के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे दोस्तों आप डोमेन पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक फंक्शन है वो ओपन हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक करा मेरे सामने नया पेज आ चुका है। यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स आएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आएगी जैसे कि DNS वगैरह भी आएगा। अब यहाँ पे आपको सबसे स्क्रॉल कर लेना है, काफ़ी सारे ऑप्शंस में हमें मिलता नहीं है तो हमें स्क्रॉल करते जाना है, स्क्रॉल करते जाना है। जैसे हम स्क्रॉल करते हैं हमें लास्ट लास्ट में यहाँ पे नेम सर्वर मिल जाएगा। दोस्तों जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं नेम सर्वर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अगर आपने नेम सर्वर ऐड नहीं कर रखा होगा तो आपके सामने नेम सर्वर का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप नेम सर्वर ऐड कर सकते हैं। दोस्तों ये आपको आपके जो डोमेन जो होस्टिंग प्रोवाइडर होता है वो आपको एक नेम सर्वर देता है दोस्तों, उसे आपको अपने डोमेन के अंदर लगाना होता है जिसके थ्रू वो आसानी से आपके डोमेन से होस्टिंग को कनेक्ट कर पाता है और आपकी वेबसाइट रन हो जाती है। दोस्तों इस तरह से आपको नेम सर्वर यहाँ पे ऐड करना है।